हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा मार्केटिंग मैनेजमेंट से एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्कोप और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। आपको पता ही है ये लेक्चर 2 है जिसमें मैंने अभी तक लेक्चर 1 रिकॉर्ड कर दिया है जो आप YouTube में डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और इसके बाद कौन से लेक्चर्स आएंगे वो मैंने यहाँ पे लिस्ट देके रखा है। तो ये सारे जो है ये इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने अलग अलग लेक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले टॉपिक नंबर 2, स्कोप और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। अब देखो एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन स्कोप भी पूछ सकते हैं, फंक्शन भी पूछ सकते हैं, दोनों का आंसर सेम होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें तो देखो मॉडर्न एज के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो भी किस पे, लार्ज स्केल में, यानी कि बड़े लेवल पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और ये सारे के सारे गुड्स कस्टमर तक पहुंचाए जाते हैं। बट आपको पता है इसमें अलग अलग तरह के मार्केटिंग फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और ये जब तक कस्टमर तक गुड्स पहुंच नहीं जाते तब तक पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसी पूरी प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। आगे बात करें तो मार्केटिंग इन शॉर्ट एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्री में और उसको कस्टमर के डोर स्टेप्स तक पहुंचाया जाता है। यानी कि एक गुड्स को बनने से लेकर के एक गुड्स को कस्टमर जब तक यूज नहीं कर लेता तब तक की जो पूरी प्रोसेस है, जब तक की जो पूरी सिस्टम है, उसको हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। इंट्रोडक्शन लिख लेने के बाद हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होता है और वो है स्कोप और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो देखो एग्जाम में अगर आए तो ट्राई करना इसको सीक्वेंस में लिखने का, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले मार्केट रिसर्च होता है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ गुड्स होता है, फिर प्रोसेसिंग ऑन गुड्स, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, मटेरियल हैंडलिंग, इंश्योरेंस, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेल्स ऑफ गुड्स, आफ्टर सेल्स सर्विस और वो प्रोड्यूसर। मतलब ये चेन जो है वो चलती रहती है। टोटल इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में कुछ 16 पॉइंट है बट यहाँ पे मैं 14 पॉइंट समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें तो नंबर 1 देके रखा है मार्केट रिसर्च। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले सबसे पहले करना पड़ता है मार्केट रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको मैंने कहा कि आपको एक प्रोडक्ट बनानी है और मार्केट में जाके उसको बेचनी है, तो क्या आप सीधा प्रोडक्ट बनाना चालू कर दोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? मार्केट रिसर्च करोगे। और आपको पता है ये जो प्रॉब्लम्स है ना मार्केटिंग की, वो कंसीडर की जाती है कस्टमर के व्यू पॉइंट से और इसके लिए मार्केट रिसर्च की जाती है। मार्केट रिसर्च किस चीज की होती है कि कस्टमर की हैबिट्स क्या है, उसका टेस्ट क्या है, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। और इन एडिशन टू दिस हम आगे बात करें तो यहाँ पे वही फैशंस लाई जाती है जो कस्टमर उसको एक्सेप्ट करे और उसको कंसिडरेशन में ले। कंसिडरेशन मतलब होता है वो उसके सामने पैसा देके उसको खरीदे, ठीक है। और एक बार हमने प्रोडक्शन का डिसाइड कर लिया तो हमको ये देखना होगा कि हमको रॉ मटेरियल को परचेस करना है और अलग अलग तरह के इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे तभी जाके प्रोडक्शन होगा। और इसके लिए भी हमको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि हम लोग गुड्स एक बार प्रोड्यूस करने के बाद गुड्स को बेचेंगे किस हिसाब से। और आपको पता है अलग अलग तरह की मेथड्स कैरीड आउट की जाती है मार्केट रिसर्च करने के लिए, जिसकी मेथड का नाम है, एक हो गया सैंपल मेथड्स, दूसरा हो गया क्वेश्चनर मेथड्स, तीसरा हो गया कंज्यूमर कमिटी और चौथा हो गया सेल्समैन। यानी इन चार वजह से हम लोग को पता चल सकता है कि हम लोग किस तरह से मार्केट में बेचेंगे, कौन से गुड्स कस्टमर हमसे खरीदेंगे। When the market research is made for achieving specific purpose, अब मान लो जब भी हम लोग कोई भी एक specific purpose के लिए market research करते हैं तो उसको applied market research कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Applied market research। तो यह है सबसे पहला point, market research। अब है number 2, collection of goods। जब small scale manufacturer ना scattered हो, scattered मतलब होता है बहुत सारे, तो आपको पता है goods की demand ना seasonal हो जाती है। आपको example देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ठंडियों की सीजन आ रही है तो ठंडियों के सीजन में बहुत सारे अलग अलग दुकानदार, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं वुलन क्लोथ्स का, ठंडियों के कपड़ों का। तो उस टाइम पे डिमांड कैसी हो गई? सीजनल हो गई, उसके बाद उसकी डिमांड नहीं होगी। तो जब सीजन आ रही होती है तो कोई भी मैन्युफैक्चरर को या कोई भी प्रोड्यूसर को ना हर तरह के गुड्स की अरेंजमेंट रखनी पड़ती है और उसको सारे अलग अलग तरह के गुड्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो अगर उसके पास गुड्स होंगे अलग अलग तरह के तो ही वो कस्टमर को दे पाएगा सीजन आने पे, अगर उसके पास गुड्स होंगे ही नहीं तो वो कस्टमर को क्या ही दे पाएगा, ठीक है। इसलिए इसका पॉइंट का मतलब है कि हमको गुड्स कलेक्ट करने होंगे तभी जाके हम कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे अलग अलग तरह के गुड्स। यहां पे ना इसमें ये भी कहा गया है कि कुछ खर्चे जो हमको रिड्यूस करने होंगे, जैसे स्टोरेज के पीछे खर्चा हो गया, क्लासिफिकेशन एंड
ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, तो ये सब जितने कम खर्चे होंगे उतना ज्यादा हमारा सेल्स जो है वो बड़े स्केल पे हो पाएगा, उतना ज्यादा हम गुड्स को बेच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर थर्ड, यहाँ पे हमने कलेक्शन कर लिया गुड्स का, अब है प्रोसेसिंग। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो पाती, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पाती जब तक कि वो कस्टमर के लिए यूजेबल ना हो, यानी कि कस्टमर उसको यूज करता हुआ होना चाहिए। और जनरली जो गुड्स होते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा, वो सारे सेम फॉर्म में यूज नहीं किए जा सकते। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं कि कॉटन गिनिंग और प्रेसिंग प्रोसेस हो गया, कि कॉटन की ना अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है तो उसका यूज भी बदल जाता है। फिर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम की एनालिटिकल प्रोसेस होती है, मोटर कार, स्कूटर, टीवी, रेडियो, इन सब की असेंबलिंग प्रोसेस होती है, आइस और आइसक्रीम ब्रिक्स, इन सब प्रोसेस ऑफ, और सीमेंट, जैसे ब्रिक्स का सीमेंट की प्रोसेस हो गई, सोप हो गया, मेडिसिन हो गई, उनकी सिंथेटिक प्रोसेस होती है। तो आपको बता दूं कि अलग अलग तरह की प्रोडक्ट की अलग अलग प्रोसेस होती है उसको बनाने की। ठीक है, तो प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग ढंग की होगी तो ही वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए यूजेबल हो सकता है। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या, तो स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम लोग सूटेबिलिटी और क्वालिटी चेक करते हैं कोई भी प्रोडक्ट की, यानी कि क्या वो प्रोडक्ट अच्छा है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। और ये स्टैंडर्डाइजेशन पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए ना कुछ पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि उस गुड्स का स्टैंडर्ड क्या है, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। वो कौन से पॉइंट्स है, तो एक हो गया प्योरिटी, एक हो गया क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, नेचुरल सब्सटेंस और केमिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये पांच चीजों के बेसिस पे हमको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो कितनी स्टैंडर्डाइज है, कितनी अच्छी है। और आपको बता दे इंडिया के अंदर ना इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को बनाया गया है जिसको हम लोग ISI मार्क कहते हैं, आपने बहुत सी प्रोडक्ट पे देखा होगा। एक मिनट, आपको पता है हमारी बीकॉम की ऑनलाइन बैच चलती है जिसमें हम लोग लाइव लेक्चर एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। तो अभी के अभी आप लोग हमारा कॉन्टेक्ट करें इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आगे बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन मैंने समझाया आपको, तो एक बार जो स्टैंडर्ड्स है वो डिसाइड हो गए कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसको हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कहेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस को। और एक बार स्टैंडर्डाइजेशन हो गया उसके बाद होता है ग्रेडिंग। अब जो ग्रेडिंग होता है ना वो किस बेसिस पे होता है, कलर, फॉर्म, साइज, शेप, स्मेल, इन सब के बेसिस पे किया जाता है। और इसकी अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रेडिंग की, मैं आपको बताता हूँ जो नीचे देके रखा है। जैसे मान लो ग्रेड किस बेसिस पे दिया जाता है, जैसे टाइप्स ऑफ टी मतलब चाय कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, माइल्ड है, उसके बेसिस पे उसको ग्रेडिंग दिया जाता है। फिर हो गया नंबर टू राइस ऑफ डिफरेंट क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी के राइस को अलग अलग ग्रेडिंग दिया जाता है, जैसे कमोद हो गया, गिरासर हो गया, बासमती राइस हो गया। ठीक है, फिर क्वालिटी ऑफ क्लोथ कौन सा है, मीडियम है, फाइन है, सुपर फाइन है, कॉटन है, टेरी कॉटन है, वुलन है, इस बेसिस पे अलग अलग तरह का ग्रेडिंग दिया जाता है। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन बताता है उसकी क्वालिटी, जबकि ग्रेडिंग ना ग्रेड देता है कि ए ग्रेड गुड्स, बी ग्रेड गुड्स। और स्टैंडर्डाइजेशन कौन करता है, ISI करते हैं, जिसपे ISI मार्क लगाया जाता है। क्लियर, आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांडिंग। अब देखो कोई भी कंपनी होती है, कोई भी ब्रांड होती है, तो वो हमेशा यही चाहती है कि वो मार्केट से प्रेस्टीज अर्न करे। प्रेस्टीज मतलब होता है रेप्यूटेशन, इज्जत, उसको बहुत ज्यादा रेप्यूटेशन हो पूरे मार्केट में। ठीक है, तो नाम और नेम और फेम कमाने के लिए कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक अपना स्पेशल मार्क और अपना स्पेशल सिंबल लगाता है अपने प्रोडक्ट पे। ठीक है, बहुत सी बार ये कोई भी नंबर हो सकता है। देखो आपको पता होगा 7UP, 7UP एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है जिसका फोटो मैंने यहाँ पे देके रखा है। ठीक है, जो उसके नंबर से जाना जाता है। फिर हो गया OnePlus, ये रहा OnePlus फोन है, फोन की कंपनी है जिसने नंबर से अपने आप को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, मतलब कि ये सारे लोग अपने प्रोडक्ट को नंबर से पहचानते हैं, और इसी को हम लोग, यही स्पेशल मार्क को, यही स्पेशल सिंबल को, इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांड कहते हैं। और जब ऐसी ब्रांड गवर्नमेंट की उसमें रजिस्टर्ड होती है तो उसको ट्रेडमार्क मिलता है, और ट्रेडमार्क मिलने के बाद कोई और प्रोड्यूसर उसका नाम यूज नहीं कर सकता। उसका ट्रेडमार्क हो गया कि भाई अब वही उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, उसके नाम को यूज करेगा, उसके अलावा और कोई भी प्रोड्यूसर उसकी कॉपी नहीं कर सकता। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस। अब देखो प्राइस क्या है, तो देखो एक बार हमने प्रोडक्शन कर लिया गुड्स का, उसके बाद हमने उसका असेंबलिंग कर दिया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, ग्रेडिंग कर दिया, फिर हमारे कुछ खर्चे होते हैं, उसके पैकिंग के पीछे खर्चा होता है,
एडवर्टाइजमेंट के पीछे खर्चा होता है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे खर्चा होता है। तो एक बार ये सारे के सारे खर्चे डिसाइड करने के बाद, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हो रहा है हमारी कंपनी का उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे, उसके बाद क्या डिसाइड किया जाता है, प्राइस डिसाइड किया जाता है, प्राइस पॉलिसी डिसाइड की जाती है, जो कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड अपने हिसाब से डिसाइड करती है उसके खर्चों के बेसिस पे। ठीक है, तो प्राइस क्या है ये सारे खर्चे हो जाने के बाद डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि अलग अलग साइज, शेप, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग तरह की पैकेजिंग होती है। अब देखो पैकेजिंग ना, पैकेजिंग होता क्या है, पैकेजिंग एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम लोग हमारी प्रोडक्ट को सेफली कोई भी कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कार्टून होता है, फिर जूट बैग होती है, फिर पानी की जो बॉटल्स होती है, फिर जार हो गया, तो ये सारे क्या है, ये सारे पैकिंग है जिसके थ्रू प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेफली कोई भी कस्टमर तक पहुंच जाए, वो इन बिटवीन टूट ना जाए, वो ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि अगर टूटी हुई प्रोडक्ट पहुंचेगी कस्टमर के पास तो सीधी सी बात है कस्टमर दुखी हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है स्टोरेज ऑफ गुड्स। स्टोरेज ऑफ गुड्स में टोटल 3 पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो आज की जो मॉडर्न एज है उसमें प्रोडक्शन जो है वो हमेशा बड़े स्केल पे किया जाता है। अब मान लो मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन बड़े स्केल पे किया जा रहा है, फिर वो जो एक्स्ट्रा गुड्स है उसको कहां रखा जाएगा, उसको रखा जाएगा गोडाउन में, वेयर हाउसेज में, जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे और उसको ही हम लोग स्टोरेज ऑफ गुड्स कहेंगे। ठीक है, और इन केस ऑफ सीजनल डिमांड, जब कोई भी गुड्स की डिमांड सीजनल होती है, जैसे बहुत सी चीजें हो गई, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ठंडियों के अंदर वुलन जैकेट्स हो गए, ठीक है, बारिश के अंदर रेनकोट्स हो गए, छाते हो गए, तो ये सारे सीजनल गुड्स होते हैं। तो उस टाइम पे प्रोड्यूसर क्या करता है, उसकी एक स्पेशल अरेंजमेंट करता है, पहले से उस गुड्स को स्टोर कर देता है सीजन आने से पहले। जैसे अभी गर्मी आएगी तो गर्मी के टाइम पे क्या होगा, तो डिमांड होगी एसी की, वो बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से अभी से ही, मतलब ठंडियों के सीजन से ही जितनी भी एसी कंपनी है ना उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या पता उनको वो गुड्स मिल पाया नहीं मिल पाया, वो बेच फिर कैसे पाएंगे जब तक कि उनके पास वो गुड्स नहीं होगा, इसलिए अभी से ही वो लोग क्या करेंगे, अपने गोडाउन्स में, अपने वेयर हाउसेस में उसको स्टोर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये जो गुड्स होते हैं उसको स्टोर ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे वो मार्केट तक इजीली पहुंचा दे। फिर पता चला बहुत रेगिस्तान में दूर जाकर स्टोर किया, मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाया जब जरूरत थी, तो वो कोई मतलब नहीं है, उसको मार्केट से हमेशा नजदीक में ही स्टोर किया जाता है, गोडाउन या वेयर हाउसेस में। नेक्स्ट आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि गुड्स मैन्युफैक्चरर उस जगह पे नहीं होता जहां पे कस्टमर उसको कंज्यूम करे, गुड्स मैन्युफैक्चर होता है एक फैक्ट्री में, या तो दूर होता है, जो जहां मार्केट है उससे दूर होता है, तो मार्केट तक कैसे पहुंचता है, तो वो मार्केट तक एक अच्छे नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचता है। ठीक है, फिर वो चाहे ट्रेन से आए, चाहे प्लेन से आए, चाहे वो बाय रोड, बाय वाटरवे और बाय एयरवे, किसी से भी आए, ठीक है, वो मार्केट तक पहुंचना चाहिए, और वो कैसे पहुंचेगा, ओनली एंड ओनली ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। और यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल भी प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो भी पहुंचाना पड़ता है एक मैन्युफैक्चरर तक, तो वो भी किसके थ्रू होगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और एक बार मान लो प्रोडक्ट बन गई, ठीक है, तो प्रोडक्ट बन गई तो उसको मार्केट तक पहुंचाने का काम भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। यानी कि पूरा डेवलपमेंट इंडस्ट्री का डिपेंड किस पे है, डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन पे, और यहाँ पे लैंड, सी और एयर अलग अलग तरह के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस। देखो एक सिंपल सी चीज है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों ना बहुत एसेंशियल चीज मानी जाती है मार्केटिंग के अंदर। तो बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि हमने जहां पे गुड्स को स्टोर किया है वहां पे उस गोडाउन में आग लग जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है वहां से गुड्स चोरी हो जाए, ठीक है, बहुत सी चीजें हो सकती है। या तो मान लो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हमारा जहाज जा रहा है और वो डूब गया, ठीक है, या तो मान लो पायरेट्स ने उस पर कब्जा कर लिया, पायरेट्स ने चोरी कर ली, तो ऐसी बहुत सी चीज होती है। तो उस टाइम पे ये सारे रिस्क को कवर करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल क्या होता है, इंश्योरेंस। यानी कि अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया होगा तो मेरे को वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। और आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ना इंश्योरेंस कंपलसरी हो गया है। और आगे बात करें तो ये सारी सर्विसेज जो है इंश्योरेंस की वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करें
फाइनेंस। आपको पता है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ना तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आप मेरे को ये बताओ कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? कोई भी नहीं। हर एक्टिविटी में पैसा चाहिए ही होता है। आपको पता है आप घर से बाहर निकलते हो ना तो ये आपका जो पैसों का मीटर है ना वो चालू हो जाता है। यानी कि हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पैसा चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी है कि पैसा हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। यानी कि हर एक प्रोडक्शन के स्टेज पे पैसा चाहिए, हर एक मार्केटिंग के स्टेज पे पैसा चाहिए। कोई भी मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल ऐसे ही पैसों के बिना परचेज नहीं किया जाता। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि मार्केटिंग का बैकबोन है फाइनेंस। फाइनेंस के बिना और फाइनेंस का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। और एक और एड ऑन करता हूं, आपको पता है कोई भी मार्केटिंग हो चाहे बिजनेस हो उसका लाइफ ब्लड माना जाता है फाइनेंस। जैसे अपने अपने बॉडी के अंदर ना ब्लड सर से लेके पांव तक फ्लो करता रहता है, वैसे ही बिजनेस में फाइनेंस सर से लेके पांव तक यानी पूरे बिजनेस में वो फ्लो करता रहता है। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फाइनेंस का। तो यहाँ पे हमने फाइनेंस को अरेंज कर दिया। उसके बाद हम लोग करेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो बड़े बड़े पोस्टर, साइन बोर्ड या पेंटिंग वॉल पे किया जाता है या कियोस्क। आपको पता है कियोस्क क्या होता है? आपने बहुत सी बार मॉल, एयरपोर्ट या बहुत सी जगह गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो लोग अपना एक काउंटर लगा के प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं। तो उसको हम लोग ना कियोस्क बोलते हैं, जिसके थ्रू लोग अट्रैक्ट हो, ये सारी चीजों के थ्रू लोग अट्रैक्ट हो, ठीक है। और जो सिटीज जो होती है वहां पे डेकोरेटिव शोरूम्स बनाए जाते हैं, जहां पे बड़ी बड़ी लाइट्स है, बहुत सारी लाइटें लगाई जाती है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होती है, ठीक है। और वो लोग ना ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों का अटेंशन मिल पाए, लोगों को अटेंशन मिल पाए और वो वहां पे आए और वो उस गुड्स को खरीद ले, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत जबरदस्त है। और कोई भी आइडियल एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है कि मिनिमम एक्सपेंस पे आप कैसे सेल्स को बढ़ा रहे हो, यानी कि कम खर्चे पे आप कैसे ज्यादा प्रोडक्ट्स को बेच पा रहे हो। और मॉडर्न एज के अंदर एडवर्टाइजमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है वो। क्योंकि आपको बताइए कि अगर आपको मार्केट को कैप्चर करना है तो एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। विदाउट एडवर्टाइजमेंट आप मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें तो वो है 13 नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो हमारी प्रोडक्ट ना बन चुकी है, अब प्रोडक्ट बनने के बाद उसको मार्केट में सप्लाई किया जाएगा अलग अलग जगहों पे। तो वो अलग अलग जगहों पे, क्योंकि देखो कस्टमर ना स्कैटर्ड है यानी कि बिखरे हुए और बहुत सारे, तो अलग अलग जगह पे ये प्रोडक्ट्स को हमको पहुंचाना पड़ेगा। और इसके लिए हमको एक प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, जिसमें हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मान लो मैन्युफैक्चरर से वो जा रहा है होलसेलर के पास, होलसेलर से वो जा रहा है एक रिटेलर के पास, रिटेलर से वो एक जा रहा है कस्टमर के पास। तो इस तरह से अलग अलग तरह की क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होती है जो बहुत जरूरी है कस्टमर तक, एक प्रोड्यूसर से लेके एक कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना बहुत जरूरी है। और आगे बात करें तो ये जो वर्क होता है वो होलसेलर, रिटेलर्स और अलग अलग ब्रांचेस ऑफ कंपनी के थ्रू परफॉर्म हो सकता है, और इसके थ्रू हम लोग हमारी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। अब आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो है आफ्टर सेल सर्विस। आपको पता है हम लोग ने अभी तक सारी प्रोडक्ट बेच दी कस्टमर तक, क्या मार्केटिंग का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है? नहीं, मार्केटिंग का काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। इसके बाद एक बार गुड्स बेच दिया उसके बाद उसको सेल, आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ती है। आपको पता होगा आफ्टर सेल सर्विस का कंसेप्ट, मतलब कि ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कस्टमर का रिलेशन मेंटेन हो सके। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी, वो डिफेक्टिव है या इंफीरियर इन क्वालिटी है, तो उस टाइम पे जो कंप्लेंट्स होती है वो सुनी जाती है कंपनियों के द्वारा और उस खराब प्रोडक्ट को हटा दिया जाता है, और कस्टमर सेटिस्फाई भी होता है और वो नेक्स्ट टाइम आ भी जाता है उसके पास। जैसे मान लो आपने कोई एप्पल की प्रोडक्ट खरीदी, तो आपको पता है उसमें कैसा है कि एक साल तक कुछ भी प्रॉब्लम होता है उस मोबाइल में ऐसे कुछ, तो वो ना पूरा का पूरा पीस टू पीस रिप्लेस वो लोग कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, कस्टमर का सर्विस हुआ, मतलब कि ये लोग आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से कस्टमर वापस वो प्रोडक्ट को खरीदने की सोचेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।